रूठे रिश्तों को मनाने के लिए मशहूर है लखनऊ का माँ चतुर्भुजी मंदिर। शक्तिपीठ में भी है इसका नाम। माँ के स्वरूपों की आराधना के साथ ही मनचाहे वरदान की कामना का पर्व नवरात्र को लेकर हर मंदिर में आयोजन होते हैं। गोसाईगंज के माँ चतुर्भुजी देवी मंदिर में हर दिन विशेष आराधना के साथ ही माँ का जो स्वरूप होता है उसी स्वरूप में आराधना की जाती है। मंदिर में नव दंपति दर्शन कर रिश्ते को प्रगाढ़ करने की कामना करते हैं और यहाँ नए रिश्ते भी बनते हैं। वहीं रिश्ते में चल रहे क्लेश से भी दर्शन करने मात्र से छुटकारा मिल जाता है। यह है मंदिर का इतिहास। लखनऊ से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर गोसाईगंज पहुंचते ही शक्तिपीठ के रूप में माननीय माँ चतुर्भुजी का मंदिर नजर आता है। माँ के गुणगान से पूरा इलाका गुंजयमान हो जाता है। मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी सही जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर करीब 300 से अधिक साल पुराना है। इनके नाम से ही मातन टोला व चतुर्भुजी नगर बसा हुआ है। मान्यता है कि कृपा बरसाने के लिए माँ यहाँ स्वयं आई थी। ये भी कहा जाता है कि एक किसान बैलगाड़ी से माँ की प्रतिमा लेकर जा रहा था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धस गया और फिर टस से मस नहीं हुआ। उसी स्थान पर माँ की स्थापना कर दी गई। माँ के दर्शन के लिए लखनऊ ही नहीं आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं। माँ चतुर्भुजी देवी मंदिर पर अमावस्या और आठों पर मेला लगता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रों पर विशेष आयोजन के साथ सप्तशती का पाठ होता है। सुबह आरती के साथ ही महिलाओं की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। दर्शन के लिए भोर से ही कतारें लग जाती हैं। यहाँ की खास बात ये है कि मंदिर में श्रद्धालु स्वयं प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर में महिलाओं और पुरुषों के दर्शन की अलग अलग व्यवस्था है। नवरात्र में रिश्तों के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। नवरात्रि में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के पहले दिन से मंदिर को बिजली की झालरों से सजाया जाता है। मां के दरबार को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़ों और फूलों से सुशोभित किया जाता है। श्रद्धालुओं की ओर से ही श्रृंगार का इंतजाम होता है। मंदिर समिति के सभी सदस्य व श्रद्धालु मिलकर श्रद्धालुओं के दर्शन का इंतजाम करते हैं। नवरात्र में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा इंतजाम किया जाता है। भोर में ही कपाट खोल दिए जाते हैं। संध्या आरती के दौरान श्रद्धालुओं को शामिल होने की अपील की गई है।